अस्सलाम वालेकुम, आप सबको उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। और इस COVID-19 में आपको और आपकी फैमिली सब बेहतर होंगी। मैं आपके साथ ऑलमोस्ट 6 से 7 महीने बाद मेरा दोबारा आपके सामने हो रहा है, और मुझे हमेशा बड़ा अच्छा लगता है जब मैं मीडिया से बात करता हूँ और खुल के बातें करते हैं और पॉजिटिव बातें करते हैं। मैं जैसे हम सबको इलम है कि पाकिस्तान टीम और साउथ अफ्रीका टीम इस वक्त कराची में मौजूद है, और अगर मैं याद करूँ तो साउथ अफ्रीका टीम वो ऑलमोस्ट 2007 के बाद पाकिस्तान आई है, तो 13 साल के बाद। तो हमें उम्मीद है, मुझे उम्मीद है, और हमें कोशिश भी करना चाहिए कि उनको जितना हम वार्म वेलकम करें हमें करना चाहिए। साउथ अफ्रीका हमेशा एक टॉप टीम रही है, और जब जब पाकिस्तान आई तो अच्छी मेमोरीज लेके गई है। इस वक्त अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान टीम की, तो इस वक्त हमारे पास जो हमने 20 लड़के प्लेयर्स अनाउंस किए हैं पहले टेस्ट मैच से पहले, उसमें अगर मैं देखूँ तो 9 अनकैप प्लेयर्स मौजूद हैं यहाँ पे, जो कि अनकैप प्लेयर 9 अनकैप प्लेयर्स मौजूद हैं अनाउंस किया हमने। बड़ा अच्छा मौका है यंगस्टर्स के सबके पास। जब जब भी पाकिस्तान के प्लेयर्स और किसी भी कंट्री के प्लेयर जब होम में खेलती है और उनके होम में डेब्यू होते हैं और होम क्रिकेट होती है, तो वहाँ से स्टार्स प्लेयर बनते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारे यंग प्लेयर्स इस शुक्रिया को अवेल करेंगे, और जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट वापस आ रही है, टॉप की टीमें आ रही हैं। इसके बाद अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान का स्केड्यूल देखूं तो न्यूजीलैंड की टीम ने आना है, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने आना है, फिर इंग्लैंड की टीम ने आना है। तो ये बड़ा अच्छा साइन है कि इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में वापस आ रही है और टॉप की टीमें आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए भी अच्छी है और आप सबके लिए भी अच्छी है, और खासतौर पर जो पाकिस्तान में जो यंग क्रिकेटर्स टीमों को देखते हैं, अपने स्टार्स प्लेयर को जब अपने ग्राउंड में देखते हैं तो वहीं से वो मोटिवेट होते हैं और प्लेयर्स बनते हैं। मैं अब ओपन करता हूँ, प्लीज़ आप अपने क्वेश्चन जो भी है वो आप मुझसे कर सकते हैं प्लीज। जी बिल्कुल, मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले शायद हाशमी, ऋषि शकूर एंड माजिद भट्टी प्लीज। यूनुस, हमने देखा ऑस्ट्रेलिया में इंडिया ने जिस तरह बैटिंग की, फियरलेस बैटिंग कर रहे थे। 23 साल का पंत, 21 साल का शुभमान गिल, कल उसने 91 बनाए, 21 साल का वॉशिंगटन सुंदर। ये फियरलेस बैटिंग हमारे यहाँ उसकी थोड़ी सी कमी महसूस हो रही है। रिजवान को हमने देखा वो थोड़ी फियरलेस बैटिंग कर रहा था, हैदर अली फियरलेस बैटिंग करते हैं, लेकिन हमने सुना अगर ये सही है कि T20 में उन्हें कहा कि हर बॉल पे शॉट ना मारे और वो अजीब कंफ्यूज से लग रहे थे, तो हमारी ये फियरलेस बैटिंग हमारे बैट्समैनों में कब आएगी जैसे इंडिया ने? शायद भी देखें, अगर इंडिया की बात नहीं करेंगे हम अपनी पाकिस्तान की टीम की बात करेंगे, कि जहाँ तक टेस्ट क्रिकेट की हम बात करें तो हमारे पास बहुत से प्लेयर ऐसे हैं जो कि अभी टेस्ट क्रिकेट में इंडक्ट हुए हैं फ्रॉम T20 या वनडे से। तो उनके पास जैसे हमारे पास भी था कि अगर मैं अपनी क्रिकेट देखूं तो मुझे भी 3 से 4 साल लगे थे, जो कि मैं लकी रहा कि मैं वो 3-4 साल में सर्वाइव कर गया और बड़े स्टार प्लेयर्स थे, तो फिर बाद में मुझे भी आइडिया होता है। तो इसके लिए थोड़ा सा टाइम बहुत ज़रूरी है टेस्ट क्रिकेट में खासतौर पर, क्योंकि आपको अपना रोल डिफाइंड होता है, फिर आप एक फॉर्मेट खेल के आ रहे होते हो तो उससे फिर आप अपने आप को चेंज करना होता है। लेकिन मैं जैसे मैंने पहले भी मैं बार बार हमेशा कहता हूँ कि इंटरनेशनल क्रिकेट इज ऑल अबाउट यूर सेल्फ, कि आपको कैसे इस पर अपने आप को इंटेक्ट करना है, कैसे अपने स्किल्स को शाइन करनी है। अगर मैं अपनी बात करूँ, खैर हमें अपनी बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने भी ये मैं अपने एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करता हूँ कि मुझे मेरे पास भी जैसे मैंने पहले कहा 3 से 4 साल थे कि मैं भी मुख्तलिफ स्टाइल से खेलता था, मुख्तलिफ टेक्निक से खेलता था, और फिर सडनली मैंने ये रियलाइज़ किया कि जिसमें मैं बेस्ट हूँ मैं वही करूँगा तो मैं सर्वाइव कर सकता हूँ अपने लिए, अपनी टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए। मेरा भी इन प्लेयर्स के साथ, यंग प्लेयर्स के साथ मेरा भी यही, जब जब भी मैं उनसे बात करता हूँ या मैं 1-to-1 स्किल्स सेशन करता हूँ तो मेरी भी ये कोशिश होती है कि ठीक है मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँ। लेकिन बाज़ूकात जब आप अपने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा शेयर करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको इनपुट देते हैं, तो वो फिर डबल माइंडेड होते हैं। तो मेरी बड़ी कोशिश होती है कि मैं इनको डबल माइंडेड ना करूँ, उनको खेलने दूँ जो इनका जो इनका स्टाइल है। और लेकिन बात वही है कि थोड़ा सा टाइम इनको चाहिए, और टेस्ट क्रिकेट में जब भी टाइम मिलेगा तो ये जैसे दूसरी टीमें खेलने पाकिस्तान के प्लेयर्स वैसे ही। अस्सलाम वालेकुम यूनुस जी। यूनुस, जिस तरह भी आपने कहा कि टेस्ट टीम में भी वो प्लेयर ज्यादा हैं कि जो अभी T20 या शॉर्टर वर्जन से जो है इंडक्ट हुए हैं, तो आप समझते हैं कि क्या मतलब यही एक थोड़ी सी वजह भी है कि वो जब शॉर्टर वर्जन से टेस्ट में आते हैं तो उस फॉर्मेट में वो अपने आप को उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे, हमें उनको थोड़ा सा डोमेस्टिक में टाइम देना चाहिए, क्या यही वजह है कि ये इतने ज्यादा मेंटली स्ट्रांग नहीं बन पाते? और मतलब हम देखते हैं कि एक एक दो दो टेस्ट के बाद फिर या तो प्लेयर का वो यानी
टीम से बाहर हो जाते हैं या फिर उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल वो हुआ होता है, शेक हुआ होता है? शुक्र भाई, आइडियल तो यही है कि अगर कोई भी प्लेयर जब नेशनल टीम में आए, टॉप की टीम में, तो उसके बैक पे काफी क्रिकेट हो। अगर हम बाजूकात बहुत सी टीमों के प्लेयर्स की बात करते हैं कि वो जब आते हैं टीम में तो उनके पीछे 100-100 टेस्ट, 100-100 फर्स्ट क्लास के मैचेस होते हैं। ठीक है, हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये इसकी कोई मैं कह सकता हूँ कि ये कोई ये कारण नहीं हो सकता। कुछ प्लेयर ऐसे भी होते हैं, अगर मैं ग्रेड्स की बात करूँ तो एक एक दो दो मैच खेलने के बाद, बल्कि कुछ बगैर क्रिकेट खेल के भी वो नेशनल टीम में उन्होंने परफॉर्म किया। तो मेरे ख्याल से ये मेच्योरिटी आपके साथ आपके पास बाय टाइम बींग आती है। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये है प्लेयर्स के लिए और कोचेस, हम कोचेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाजूकात हमने इतनी टॉप की क्रिकेट खेली होती है, जब 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 हमारे सामने कोई यंग प्लेयर्स आते हैं तो बाजूकात हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनको टाइम देना चाहिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी कि ये जो हमने अभी ये प्लेयर अनाउंस किए हैं, ये कम अज कम 2-3 सीरीज हमारे साथ खेले, क्योंकि हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है बाजूकात कि अगर हम अगर एक टीम जब अनाउंस होती है तो उसमें प्लेयर जब बार बार चेंज हो रहे होते हैं तो उस तो कोचेस को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इन यंग प्लेयर जो हमने अभी टीम अनाउंस की है, ये कम अज कम 2-3 सीरीज आपके साथ हो, और हमें और मीडिया को खास तौर पे उनको थोड़ा सा बैक करने की जरूरत है। उसकी वजह यह है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई भी प्लेयर यहाँ परफॉर्म नहीं करते तो वो फिर पास ना हो जाए, और पास में ऐसा होता भी रहा है। तो मेरी बड़ी उम्मीद है, मुझे बड़ी ख्वाहिश है मेरी कि मैं कि ये इन प्लेयर्स के साथ मैं काम कर सकूं और ये टीम के साथ कम से कम एक एक दो दो साल रहें। अगर हम अपने ग्रेड्स की बात करें, हम अपनी बात करें, तो हमारे साथ मैंने खुद अभी मेंशन किया कि मैं भी 4 साल तक मैं भी मुख्तलिफ डबल माइंडेड प्लेयर था एक, लेकिन जैसे ही मैं सर्वाइव कर सका और उसके बाद मैं टॉप का प्लेयर बना। तो मेरे ख्याल से हमें इन प्लेयर्स को पूरा मौका देना चाहिए और उनकी परफॉर्मेंसेस नहीं देखनी चाहिए। मैं अभी लास्ट टूर की बात करूंगा, अगर हम ये जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की टीम की बात करें तो एक टाइम पे एक टीम 36 रन पे आउट हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद वही टीम ने सीरीज जीती है। तो मेरे ख्याल से हमें इन पे भरोसा करना चाहिए और उनको प्रॉपर टाइम देना चाहिए। थैंक यू जी उमर, एंड देन अतीक। आप थैंक यू। बस यूनुस भाई, आपका जो करियर है काफ़ी आउटस्टैंडिंग रहा है और आपने जो अपने करियर में अचीव किया है, आई थिंक ये एक हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है, ख्वाब होता है कि वो अचीव करे एज अ प्लेयर। एज अ कोच, अब आपकी थर्ड सीरीज है ये, हम ये कैसे इस चीज़ को जज करें एक कोच को? बिकॉज आपने बोला कि प्लेयर्स को हमें उनकी परफॉर्मेंसेज नहीं देखनी। अगर प्लेयर की और टीम की बैटिंग फॉर्म अगर अच्छी या बुरी होती है तो हम एक कोच को कैसे किस तरह जज करें, मतलब आपकी परफॉर्मेंस को या कोई बाकी जो कोचेज उनको किस तरह किस बेस पर जज करें? बिकॉज पिछले 3 हफ्तों में जो जितना यहाँ पे शोर मचा कोचेस को लेके, काफ़ी क्रिटिसाइज किया गया, वकार को भी किया गया, मिसबा को भी किया गया, और आई एम श्योर हमारी टीम जो है काफ़ी बैटिंग कोलैप्सिस पहले भी काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं, और हम जितना आप बात कर रहे हैं हमें थोड़ा पेशेंस शो करना है, लेकिन फिर हम कोचेस को किस तरह जज करेंगे? जी बिल्कुल, कोचेस को जज करना चाहिए। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी कमेटी के सामने पेश होता, मुझे भी सामने पेश करते तो मैं भी कोई सजेशन देता, क्योंकि मुझे से लोग जहाँ भी जाते हैं तो कोशिश करते हैं कि अपनी खामियां भी लोगों को पेश करें और साथ में कोई बेटरमेंट की बात भी करें। तो आप बिल्कुल जज कर सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं इंग्लैंड सीरीज की बात करूं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि क्योंकि उसके बाद हमारी आपकी कोई बात नहीं हो सकी। मैं तो खुद अपना क्रेडिट होता हूं। अगर मैं वहां इंग्लैंड की बात करूं, जब मैं इंग्लैंड सीरीज में था, 2 के मेरी पहले सीरीज थी एक हाई फाइव टीम के साथ, इससे पहले 2 के मेरी मैं फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी कोच रहा हूँ, लेकिन मेरी भी अपनी एक्सपेक्टेशन जो मुझे अपने आप से जो प्लेयर से थी, आई होप के 2-3-4 परफॉर्मेंसेस बड़ी और होती हैं। अगर मैं इंग्लैंड सीरीज की बात करूं तो 2-3 परफॉर्मेंसेस थी। इसी तरह न्यूजीलैंड की बात करूं तो आप बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आप इस वक्त, मैंने देखा कि बाजूकात मीडिया में बहुत ज़्यादा वकार यूनुस के को लेके बात को चर्चा हुआ, फिर मिसबा उल हक को लेके चर्चा हुआ, यूनुस खान को इतना लेके चर्चा नहीं हुआ मेरे ख्याल से, लेकिन होना चाहिए। मैं तो खुद कहता हूँ कि मुझे भी मेरा भी एहतसाब ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब जब आपके साथ ये चीज़ें नहीं होती तो आपकी परफॉर्मेंसेज, आपके क्रेडिट्स होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल जज कर सकते हैं। अगर मैं कहूं कि न्यूजीलैंड सीरीज पे पाकिस्तान टीम बैटिंग में इतनी परफॉर्म नहीं की तो आप जज कर सकते हैं कि यूनुस खान की फेलियर है, आप बिल्कुल ऐसा जज कर सकते हैं। लेकिन जब फिर ये भी करेंगे, अगर कोई टीम अच्छा खेलती है, उसकी बॉलिंग अच्छी करती है, उसकी बैटिंग अच्छी करती है, उसकी
फील्डिंग अच्छी करती, तो उस प्लेयर को भी, उस कोच को भी बहुत ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, फिर हम उसको अप्रिशिएट भी वैसे करना चाहिए जैसे अभी हमने रिसेंट पास में कोचेस को लेके किया। तो मेरे ख्याल से वन में ट्रैफिक नहीं होनी चाहिए। पर्सनल, जो हमेशा मैं बात करता हूँ, पर्सनल आपको कोई बात नहीं करनी, आप प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पे बात करें, क्योंकि देखिए ये प्लेयर भी आपके हैं, ये कोचेस भी आपके हैं, और ये मीडिया भी आपके है। तो इसी तरह हम कोचेस को भी, हम प्लेयर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये जो मीडिया जो बात करती है, अगर कोई परफॉर्म करते तो हम ही लोग होते जब उनको सर पे बिठाते, अगर परफॉर्म नहीं करते तो उनको लेके बहुत सारा चर्चा होता है। मेरे ख्याल से इसको माइंड नहीं करना चाहिए। आप बिल्कुल मेरे लिए, उमर आप बिल्कुल मेरे लिए खुल के बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बिल्कुल जाएंगे अतीक की तरफ, अतीक के बाद बदीउज़्ज़मान। अच्छा यूनुस भाई, हमने आपको भी देखा जब आप थे पाकिस्तान टीम के अंदर, सीनियर खिलाड़ी भी थे। अगर 3 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होता तो हमने खुद देखा था कि आप 4-4 घंटे, 4.5-5 घंटे आप ट्रेनिंग करते थे, एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते थे। क्या आप समझते हैं इस वक्त मौजूदा टीम में जो सीनियर खिलाड़ी भी हैं एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हुए नजर आते हैं, या सब खिलाड़ी जो है वो शॉर्टकट के चक्कर में, हमने आपको देखा था कि घंटों एक्स्ट्रा ट्रेनिंग करते हैं, तो आजकल के क्यों खिलाड़ी शॉर्टकट के अंदर है? अतीक बिल्कुल प्लेयर्स करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं करते, बिल्कुल प्लेयर्स अपनी मेहनत कर रहे होते हैं। अगर आप, मैं आज के प्लेयर की जो जो उन पे वर्कलोड है वो हमसे ज़्यादा है, अगर मैं आपकी बात करूं, हम पे क्योंकि इतने ज़्यादा कोचेज नहीं होते थे हमारे पास, अगर हम देखें तो 1-2 कोचेज ही होते थे जो कि हमें सब कुछ करा रहे होते थे, तो बाद हमारे पास वो फ्रीडम होता था। तो मैं, मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कोशिश भी करता हूँ कि अगर जो प्लेयर है उनको फ्रीडम ज़रूर दें, क्योंकि जब तक हम उनको फ्रीडम नहीं दें, जब तक हम उनको ऑनरशिप नहीं देंगे उनकी टीम की, उनकी बैटिंग की, उनकी बॉलिंग की, उनकी कंट्री की, तो ये प्लेयर नहीं बन पाएंगे। ये तो देखिए, मैं अगर ये, मैंने अब बेशक मेरा बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, लेकिन जब तक प्लेयर मिस्टेक नहीं करेगा तो वो, तब तक वो प्लेयर नहीं सीख सकते। तो प्लेयर मिस्टेक करेंगे और वो सीखेंगे। और जहाँ तक बात है कि प्लेयर मेहनत नहीं करते, प्लेयर बिल्कुल मेहनत करते हैं, लेकिन एक बात जो मैं हमेशा प्लेयर से बात करता हूँ कि भले कि आप मेहनत जरूर करें, लेकिन आपको रियलाइज करना कि कौन सी चीज आपकी नीड है। तो मेरे ख्याल से अगर प्लेयर नीड के हिसाब से अपनी मेहनत करें तो बहुत जल्दी सीख सकते हैं। हमारे साथ ये था कि हमारे पास कोई टफ कंडीशन थी, को मैं अपनी बात करूँ या मोहम्मद यूसुफ की बात करूँ या इंजमाम की बात करूँ या और ऐसे प्लेयर थे जो कि एक सिस्टम से बहुत ज्यादा नीचे से आते थे, ग्रेड 2 बहुत ज्यादा खेलते थे हम लोग, डेली बेसिस पे हमने बहुत ज्यादा ट्रेवल किया होता था। तो जो कि आज के प्लेयर में ऐसा नहीं है, हम देखते हैं कि कोई भी प्लेयर अगर थोड़ी सी परफॉर्म करते हैं तो फौरन हम, क्योंकि हमारे पास टीम में प्लेसेस होती तो हम फौरन कहते हैं जिस प्लेयर को टीम में इंडक्ट करें और इसको प्लेयर को खिलाए। लेकिन जब वो परफॉर्म नहीं करते हैं, जब वो इंटरनेशनल स्टेज पे आते हैं, तो उनकी बहुत सी चीजें हाईलाइट होती हैं जो कि डोमेस्टिक उस पर इतनी हाईलाइट नहीं होती, और फिर वही मीडिया होती है, फिर वही कमेंटेटर उनके पे बात करते, प्रेशर आते हैं और वो क्लैप्स कर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को बिल्कुल मेहनत करते हैं और इनको मेहनत करनी भी चाहिए, लेकिन बार बार वही बात जो मैं कहता हूँ कि देखिए ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम, मुझ जैसा कोच तो आपकी, आपको आपकी वो चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपकी पैर सही नहीं है, आपकी हेड पोजिशन ठीक नहीं है, और आपके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन ये हमें अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पाकिस्तान की नेशनल टीम है, यहाँ पे प्लेयर को खुद वो इनिशिएटिव लेना पड़ता है। कोच आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोच आपको उसकी तरीका भी बता सकते हैं कि उस चीज को कैसे ओवरकम करना है, लेकिन ये प्लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको ओवरकम करें। और हमेशा हमारे साथ भी ये था, आपने हमें देखा कि हम भी हमेशा, कोचेस हमें बताते जरूर थे, लेकिन हम अपनी खुद अंडरस्टैंड करते थे कि दिस इज माई क्रिकेट, दिस इज माई बैटिंग, दिस इज माई टीम, दिस इज माई कंट्री, तो मुझे आगे आके उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी। तो मेरे ख्याल से जो प्लेयर ये कर जाते हैं तो वो लेजेंडरी प्लेयर बन जाते हैं। जी नेक्स्ट बदी, देन महमूद एंड देन जुबैर प्लीज। आई थिंक बदी को आवाज नहीं आ रही। जी महमूद और देन जुबैर प्लीज। अच्छा यूनुस, अगर हम बात करें अच्छा, तो आपको क्रिकेट में, एक मिनट रजा भाई, आवाज आ रही है मुझे, अभी म्यूट था मैं। चलो अच्छा बदी कर लो। जी बदी, देन महमूद एंड देन जुबैर। यूनुस भाई पूछना ये चाह रहा हूँ कि ये देखें कि जब भी हम बाहर किसी बड़ी टीम के खिलाफ खेल रहे होते हैं, अभी आपने खुद कहा कि एक टीम 36 रन पे आउट होती है और कम बैक करके सीरीज जीत जाती है,
तो हम जब भी किसी 300 सवा 300 साढ़े 300 रन की दूसरी इनिंग में उसमें अपना चेस करने के लिए जाते हैं तो हम हमारी जो अप्रोच होती है वो ज्यादा दिफाई होती है कि किसी तरह टेस्ट मैच को बचा लें, हम जाराना खेल के जीत की तरफ नहीं जाते। तो यूनुस खान तो हमेशा यही करते थे कि जब टीम एक रन इतने होते तो यूनुस खान कोशिश करते टीम को जिताना है, अपनी परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए, लेकिन क्या खिलाड़ी डरते हैं कि अगर मैं आउट हो गया तो टीम जो है मैच हार सकते हैं या ड्रॉ नहीं होगा, तो जीत की तरफ इनको लाने के लिए क्या इनकी ज़हनी पुख्तगी जरूरी है? बिल्कुल है, देखिए बिल्कुल है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको जीत ही के लिए सोचना चाहिए। और हमने देखा जब जब भी आप जीत की सोचते हो, जीत के लिए जाते हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव होती है। ठीक है, बाजुकात टेस्ट मैचेस या मैचेस आपको ड्रॉ भी करने पड़ते हैं, वो सिचुएशन के मुताबिक होता है, लेकिन मेरे ख्याल से देखें इम्पोर्टेंट यही होता है कि प्लेयर्स ये नहीं सोच रहे होते बाजुकात, क्योंकि यंग प्लेयर के पास ठीक है बाजुकात इतनी थिंकिंग नहीं होती है, वो पॉजिटिव ही होते हैं, लेकिन बाजुकात प्लेस के लिए प्लेयर्स भी खेलते हैं, वो समझते हैं कि अगर हम परफॉर्म नहीं करेंगे तो शायद हम मैच टीम में ना हो। तो मैं वही बात, जैसे मैंने पहले कहा कि प्लेयर्स के लिए उनको ये श्योरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि जो प्लेयर्स आए वो कम अज कम वो एक आधे मैच के लिए, एक आधे सीरीज के लिए नहीं आए, वो लॉन्गर टर्म के लिए है, टाइम के लिए है, ताकि वो प्लेयर भी अपना खुल के अपना एक शॉट दे सके, अपने स्किल्स दिखा सके। तो जो प्लेयर जब उनको पास श्योरिटी होती है कि मैं एक सीरीज के लिए नहीं हूँ, एक मैच के लिए नहीं हूँ, तो फिर वो अपनी स्किल आपको सामने दिखा सकते हैं। ये हमारे साथ भी होता रहा है, हमसे पहले प्लेयर्स के साथ भी होता था, और मेरे ख्याल से आज के प्लेयर और अगले प्लेयर जो आने वाले उनके साथ भी यही होगा। जब उनके पास ये श्योरिटी नहीं होगी कि हम सिर्फ एक मैच के लिए ही आए हैं, तो वो इसी तरह डबल माइंडेड होंगे। तो मेरे ख्याल से हमें सपोर्टिंग स्टाफ उन प्लेयर्स को ये बावर कराना चाहिए कि आप अगर यहाँ पे आए हो तो आप सिर्फ एक मैच के लिए नहीं हो, आप बहुत ज्यादा लंबे टर्म के टाइम के लिए और 2-3 सीरीज के लिए हैं, तो मेरे ख्याल से वो आपको अपना बेस्ट शॉट दे सकते हैं। अच्छा यूनुस, आप यूनुस अगर बात करें तो आप पाकिस्तान के उन खिलाड़ियों में जिनके पास सबसे ज्यादा टेस्ट एक्सपीरियंस है, अब आपको एक अरसा भी हो गया है, आपसे अगर वाजे तौर पर पूछा जाए कि वो 2-3 पॉइंट्स क्या हैं कि जो आपने पाकिस्तान की टेस्ट साइड में बैट्समैन में खास तौर पे देखें कि वो लैक कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप नंबर 1 से बहुत नीचे चले गए? मेरे ख्याल से देखे बबूत भाई, 2 से 3 चीजें होती है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल टेक्निक की बात नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल टैक्टिक्स की बात नहीं करूंगा। मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्रिकेट में, क्योंकि हमने देखा कि बहुत से प्लेयर उनकी टेक्निक अच्छी नहीं होती है, उनकी टैक्टिक्स भी अच्छे नहीं होते, लेकिन वो भी परफॉर्म करते हैं। और बहुत से ऐसे प्लेयर होते हैं जिनकी टेक्निक भी बहुत अच्छी होती है, जिनकी टैक्टिक्स भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन लेवल वहाँ होता नहीं है। वो एक सेशन बहुत अच्छा खेलते हैं, 50-60 रन बनाते हैं, और उसके बाद अगले सेशन में आते हैं और कंसंट्रेशन लेवल नहीं करते, और वो सडनली वो 50-60 रन करके आउट हो जाते हैं। और ऐसे प्लेयर सिर्फ पाकिस्तान टीम में नहीं है, सारी दुनिया में मौजूद है, और जिनकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत हाई होता है, तो हमने देखा कि वो लंबे लंबे रन करते हैं, खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट में। देखिए महबूब भाई, बात दरअसल है कि अगर आपने टेस्ट क्रिकेट में अपना नाम करना है, अपनी टीम का आपका नाम करना है, तो आपको एक सेशन नहीं, आपको कम से कम 6-7-8 सेशन एक टेस्ट मैच में जीतने पड़ते हैं। अगर हम देखें तो बाजुकात कुछ टीमें होती हैं जो 1-2 सेशन जीतती है, और उसके बाद वो जो अगले टेस्ट मैच में जो 9 से 10-12 सेशन है वो हारी हुई होती है। तो मेरे ख्याल से एक बैट्समैन के लिए भी कॉन्सेंट्रेशन लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो भी प्लेयर की कंसंट्रेशन लेवल बेहतर होगी तो वो बड़े बड़े रन कर सके, और हमने देखा है कि प्लेयर्स 300 रन भी करते हैं टेस्ट क्रिकेट में, 400 रन भी किए हुए, फर्स्ट क्लास में 500-500 रन किए हुए। मेरे ख्याल से कंसंट्रेशन लेवल हमें और इम्प्रूव करना प्लेयर्स का, और एज ए पर्सन अगर ये कंसंट्रेशन लेवल पे हम और काम कर सके तो यही प्लेयर होंगे जो बड़े बड़े रन करेंगे इंशाल्लाह। जी नेक्स्ट है जुबैर नजीर, माजिद भट्टी साहब और मुजाहिद सुलांगी। जुबैर एक्सप्रेस न्यूज कराची से। यूनुस, आपसे क्वेश्चन यह है कि बाबर आजम को लेकर हम बात करते हैं, न्यूजीलैंड के ऊपर हमने देखा कि जाहिर है इंजरी तो स्पोर्ट्स का पार्ट है, इंजर्ड हुए उनकी वजह से इल्जाम दिया गया कि भाई जाहिर है कि बाबर इंजर्ड हो गए थे इसलिए टीम की कारकर्दगी पर भी फर्क पड़ा। तो आपके जहन में ऐसा है कि जाहिर है बाबर जैसे जाहिर है या आप जैसे प्लेयर्स कभी कभी आते हैं
तो आप चाहते हैं कि कुछ ऐसे प्लेयर्स हों जो कि सब्स्टिट्यूट हों और हम ये ब्लेम ना कर सकें फला आदमी नहीं था उसकी वजह से हमारी टीम लेट कर गई और ये हो गया। अच्छा अब हम आते हैं कराची टेस्ट के ऊपर। कराची टेस्ट 2007 आपकी इनिंग याद है, 126 रन आपने स्कोर किए थे। दूसरी तरफ जैक कैलिस ने भी दोनों इनिंग्स में सेंचुरी स्कोर की थी, आपको याद होगा। अच्छा अब जाहिर है कि टीम आई हुई है साउथ अफ्रीका की, तो कहा यह जा रहा है कि कराची की जो विकेट होगी वो स्पिनर्स के लिए भी साजगार होगी, जबकि साउथ अफ्रीका के जो बॉलर्स हैं वो रिवर्स स्विंग और स्विंग के ऊपर बड़ा फोकस कर रहे हैं, तो आपकी क्या प्रिपरेशन है इसके हवाले से? थैंक यू। देखिए जुबैर भाई, जहां तक मैं बाबर आजम की बात करूँ तो मेरे ख्याल से हमें जो एक सेटबैक हुआ कि बाबर आजम कैप्टन थे, तो उस वजह से जब आप अनफिट होकर चले जाए थोड़ा सा टीम को फर्क पड़ता है। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर वो एज ए बैटिंग में हमें और प्लेयर्स नहीं परफॉर्म नहीं करना चाहिए, बिल्कुल आपके 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 पास ऐसे प्लेयर्स होने चाहिए जो कि रिप्लेस कर सकें, और अगर आपके टॉप के प्लेयर ना हो तो टीम आपकी कोलैप्स हो जाए। तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं, आपके पास प्लेयर होने चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा, ये टेस्ट टीम बन रही है, अगर हम अपनी टेस्ट टीम को देख लें तो सिवाय एक दो प्लेयर्स को लेके सारे ही बिल्कुल अभी आए हैं, बिल्कुल एक नया यूनिट है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा टाइम, जैसे मैंने पहले का टाइम देना चाहिए। लेकिन ये है कि अगर आपके पास आपका स्टार बाबर आजम जैसा प्लेयर ना हो तो फिर ये नहीं हो सकता कि आप हर मैच अब मैच हारो। उसके लिए भी आपको मेंटली तौर पर प्लेयर्स को भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो रेडी रहे, और आपके कोचिंग स्टाफ भी रेडी रहे कि अगर आपके पास एक दो स्टार प्लेयर नहीं है तो आप फिर आप फाइट नहीं करोगे, बल्कि फाइट करनी चाहिए। उसके बाद अगर हम कराची की बात करें तो कराची की पिच पे जब जब भी हमने खेला और जो लास्ट टाइम भी खेला, तो अगर मैं उस पिच की बात करूं तो थोड़ा सा ब्रेक की साइड भी था, लेकिन स्टेन ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की थी, मोरकल वहां मौजूद थे उस वक्त, तो उनकी टीम बहुत अच्छी थी और उन्होंने स्पिन को लेके और फास्ट बॉलर दोनों को लेके पाकिस्तान टीम को ट्रबल में किया। और जहां तक कराची की टीम की पिच की बात है तो हमेशा एक सपोर्टिंग पिच होती है, उसमें प्लेयर्स बैट्समैन के लिए भी रन होते हैं, उसके बाद फास्ट बॉलर के लिए, क्योंकि अगर मैं सुबह की बात करूं शाम की बात करूं तो जब समंदर की हवा आती है तो थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग होता है और बाजू का स्विंग भी होता है, और स्पिनर्स के लिए भी इसी तरह है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान की पिचेस पे हमेशा स्पिनर भी डोमिनेट करते हैं। तो मेरे ख्याल से पिच जैसे ही अभी देखेंगे कि कैसी पिच है, लेकिन हम लेकिन उम्मीद यही है कि एक सपोर्टिव पिच बनेगी इंशाल्लाह। सलामकुम यूनुस, मेरा आपसे सवाल ये है कि आजकल एक डिबेट चली हुई है कि जिस तरह पाकिस्तान टीम का जो सपोर्ट स्टाफ है, तीन बड़े ग्रेट्स हैं, मिसबाउलक, आप हैं, वकार यूनुस हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि जी कोचिंग जो है ये तो स्पेशलाइज जॉब है। पिछले दिनों ये जब आप न्यूजीलैंड में खेल रहे थे तो कुछ फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात कह रहे थे कि जी हर बड़ा खिलाड़ी जो है वो अच्छा कोच नहीं हो सकता, तो इस पे आपका क्या टेक है? बिल्कुल है, बिल्कुल एग्जैक्टली यही है। देखिए मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, ये जो कोचेस होते हैं दे आर हेल्पर। हम बिल्कुल बाजूकर मैं जबकि इवन मैं जब प्लेयर से बात करता हूँ तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आप मुझसे खुल के बात किया करें, आप ये ना समझें कि यूनुस खान खड़े हुए हैं और इतने सारे रन किए हुए हैं, पाकिस्तान टीम को लीड किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे हेल्पर हैं। तो और मेरे ख्याल से जो जिसलिए हम सपोर्टिंग स्टाफ कहते हैं इसको, तो मेरे ख्याल से प्लेयर्स को आना चाहिए और उनको उनके उनके जहन में कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि ये यूनुस खान हैं, आगे से मिसबाह उल हक हैं, वकार यूनुस हैं। मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, और कोचेस को भी उनके लिए ओपन हार्टेड होना चाहिए, उनके हेल्पर होना चाहिए, उनका उनके लिए हर वक्त। तो जैसे मैं हमेशा मैंने जब मैं टूर पर जाता हूँ तो मैं उनसे कोई बात करता हूँ कि जी मैं आई एम अवेलेबल, मैं यहाँ पे हूँ और मैं 24 घंटे अवेलेबल हूँ, मैं सिर्फ एक बैटिंग कोच नहीं बनना चाहता आपका, बल्कि अगर मैं किसी मद में भी आपका मैं आपको मेंटोरिंग कर सकूँ, आपकी लाइफ की कोई मसले मसाइल है तो मुझसे डिस्कस जरूर करें, और ये मेरे पास ही रहेंगे, बिल्कुल आगे जाके मीडिया को साथ शेयर नहीं होंगे ये बातें कभी भी। और इवन मैं अगर आपने देखा होगा कि मैं कभी किसी के बाल बना रहा होता हूँ, कभी किसी के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता हूँ, कभी किसी के साथ बैट लगा रहा होता हूँ कि भाई इतने पुशअप करें, मैं इतने पुशअप कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए एंड द एंड में एक जो कोच होता है, मैंने ये चीजें सीखी बॉब द ग्रेट बॉब वुलमर के साथ, मैं हमेशा उसकी बात क्यों ये करता हूँ कि वो एक टॉप के कोच थे, वो एक टॉप के लीडर थे, लेकिन साथ में वो आपका बेस्ट फ्रेंड होते थे। तो मेरे ख्याल से हम कोचेस को बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए और प्लेयर्स को भी ये मैं तो बार बार प्लेयर से बात करता हूँ कि कोई भी चीज़ हो जाके कोच को बताया करें, कोच से डिस्कस करें, क्योंकि ये जो हम कोच हैं हम कोई किसी दूसरी टीम के कोच नहीं है, हम इनके अपने
हम इनके बड़े हैं और कुछ प्लेयर तो बिल्कुल हमारे बच्चों की तरह हैं। अगर मैं बहुत से प्लेयर्स की बात करूं, मैं यासिर शाह की बात करूं, मैं शान मसूद की बात करूं, मैं अजहर अली की बात करूं, तो ये इनको जब हम क्रिकेट खेलते थे तो इनको हमने अपने डिपार्टमेंट्स में सिलेक्ट किया, वहां से कहीं खेलते हुए क्लब क्रिकेट में देखा और बहुत सारे प्लेयर हम खुद लेके आए। हमने अहमद शहजाद की मैं बात करूं, उमर अकमल की बात करूं, ये एकेडमीज आते थे तो हमने उनको वहां से पिक किया। लेकिन मेरे ख्याल से वो जो दूरी होती है, ठीक है, बाद कोचेस की तरफ से भी होती है, लेकिन बाद प्लेयर की तरफ से भी होती है कि वो समझ रहे होते हैं कि शायद पता नहीं यूनुस भाई क्या सोच रहे हैं, वकार यूनुस क्या सोच रहे हैं, मिसबाह अल हक क्या सोच रहे हैं, अगर हम ये बात करें तो पता नहीं इसका रिस्पॉन्स हमें कैसे आएगा। मेरे ख्याल से, लेकिन जैसे मैं बार बार कहता हूँ, देखें अगर प्लेयर परफॉर्म नहीं करेंगे तो ये पाकिस्तान की टीम है तो वो टीम में नहीं होंगे। इसी तरह कोचेज परफॉर्म नहीं करेंगे, कोचेज सिर्फ इसी तरह अच्छी परफॉर्म कर सकेंगे जब उनकी बॉन्डिंग प्लेयर के साथ अच्छी हो। मेरे ख्याल से आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक बहुत बड़ा प्लेयर जो है वो एक अच्छा कोच नहीं हो सकती है। इसी तरह है कि हमने पास्ट में भी देखा कि बहुत कम क्रिकेट खेले हुए और बहुत ज्यादा अच्छे कोचेस बने, लेकिन मेरे ख्याल से हमने वही देखा जितनी भी हमने मुख्तलिफ लीग्स में गए, काउंटीज में गए, जहां भी कोच का रिलेशनशिप प्लेयर्स के साथ अच्छा हुआ, उसके फ्रेंड्स बने हैं, उसके फादर फिगर बने, तो उन्होंने परफॉर्म किया। मैं तो ये कोशिश करता हूँ, लेकिन प्लेयर्स को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, उनको भी हम कोचेस के पास आना चाहिए और खुल के बात करनी चाहिए। जी, टाइम हमें पे शॉर्ट है, हम नेक्स्ट थ्री क्वेश्चंस प्लीज लेंगे। इबाद, असगर एंड नादरा प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, यूनिस भाई आवाज आ रही है आपको? जी जी, यूनिस भाई आपने कहा कि जब टीम परफॉर्म करती है तो बहुत सर पे चढ़ाते हैं, सरों पे बिठाते हैं, और जब परफॉर्म नहीं करती, शिकस्त खाती है तो बड़ी क्रिटिसाइज करते हैं। अब ये मुकाबला अब 26 तारीख को है और आपका होम ग्राउंड भी है और आपकी बड़ी यादगार इनिंग भी यहाँ इस ग्राउंड से वापस आए, नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, कंडीशन पे आपने बात की, तो अब ये बताएं कि आपने खिलाड़ियों को क्या प्लान दिया है, क्योंकि आप बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं इस नेशनल स्टेडियम का ये होम ग्राउंड है, इसकी विकेट की, इसकी कंडीशन को, तो क्या प्लान है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि साउथ अफ्रीका के लास्ट मैच में भी आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ ही खेले थे, तो क्या प्लान दिया? देखिए, जैसे हमेशा बात करते हैं कि जब जब भी एक टेस्ट मैच शुरू हो जाता है, फर्स्ट इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेरी बड़ी प्लेयर के साथ जब जब भी डिबेट होती है, मैं उनसे कहता हूँ कि आप अपना प्लान जरूर लेके आए कि आपके पास प्लान क्या है। ये हमेशा अगर हम कोचेस की तरफ देखेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है बात का, क्योंकि मैं अपनी बैटिंग स्टाइल अगर मैं बात करूँ, मैं उनसे शेयर जरूर करता हूँ कि मैं अगर एक टेस्ट मैच की पहली इनिंग खेलूँ तो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि पहली टेस्ट मैच की पहली इनिंग जो आपकी टीम की होती है वो बहुत वहीं से आपका ये मैच जो है ना टून सेट होती है। खुदा ना खास्ता अगर आप बैटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पहली इनिंग में रन कम करते हो तो फिर आप कैचअप करते हो। मेरी बड़ी उनके साथ हमेशा ये होता है कि अगर कहीं जाके हम 350 प्लस करते हैं तो हम मैच में एक अच्छा ग्रिप बना सकते हैं। और जहाँ तक प्लेयर की बात करूँ, मैं टेक्निक पे उनकी बात करता हूँ, टैक्टिक्स पे उनसे बात करता हूँ कि आप जाएं पहले अपना टाइम लें, और जब 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 भी आपके पास बॉल मिलती है आपके स्ट्रॉन्ग एरिया में तो आप उसको कैच जरूर करें, क्योंकि बाजू का ये नहीं हो सकता। हमने देखा है कि बहुत से प्लेयर वो सारा दिन खेलते हैं और बैट बॉल को यूज़ नहीं करते, तो मेरी बड़ी उनको प्लेयर्स को ये सजेशन होती है अगर आपके पास बैट बॉल मौजूद है तो उसको आप जरूर कैश करें, क्योंकि जब तक आपका स्कोर बोर्ड नहीं चलेगा तो तब तक आपको मैच नहीं अच्छी पोजिशन में आ सकते हैं। और जहाँ तक आपने खुद ही कहा कि हमारी होम कंडीशन है, बिल्कुल हमारी होम कंडीशन हमें डोमिनेट करना चाहिए, और हमें एक बैटिंग यूनिट की मैं बात करूंगा, हमें हर इनिंग में रन्स करना चाहिए, लेकिन हमारे लिए एक टेस्ट मैच में बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इनिंग में अगर आपके पास रन ऑन द बोर्ड होते हैं तो आपकी बॉलिंग को भी आसानी हो जाती है और आपकी कैप्टन को भी आसानी हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि और मुझे क्योंकि हम दोबारा अगेन यंग यूनिट है, जैसे मैंने कहा कि बाजुकात आपको उनको समझना होता है, उनको वो प्लेयर कोचेस को समझ रहे होते हैं, लेकिन टाइम हमेशा कम ही होता है टूर्स पे, तो हम कोशिश मैं तो कोशिश करता हूँ कि उनको उनकी उनकी बैटिंग स्टाइल में, उनकी प्रैक्टिस में, उन्हीं में थोड़ा थोड़ा मर्ज करता रहूँ और उनके उनके से उनसे उनका बेस्ट ले सकूँ। जी असगर प्लीज। जी वालेकुम सलाम। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आवाज। यूनुस भाई एक और भी चल रही है, जैसे मैंने बताया कि एक बहस सीनियर्स की कोचिंग के हवाले से है, तो एक बहस और भी चल रही है कि मौजूदा जो टीम है उसमें बड़ी तादाद में जूनियर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक में परफॉर्म करके जगह बनाई है।
अब बहस ये है कि क्या ये सीरीज पाकिस्तान के डोमेस्टिक सिस्टम का इम्तहान है इंटरनेशनल के मुकाबले में, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम जो है वो डोमेस्टिक सिस्टम आपको ही बताएं तो उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग सिस्टम है डोमेस्टिक का, और हमारे यहाँ डोमेस्टिक से एक साथ 8-9 प्लेयर जो है अब वो टीम का हिस्सा बने हैं जो स्क्वाड है, तो क्या ये इम्तहान है पाकिस्तान डोमेस्टिक का सिस्टम का और इंटरनेशनल का? सॉरी अज़हर भाई, मैं आपकी आवाज जो है वो बिल्कुल यूनुस भाई, इनका क्वेश्चन बेसिकली ये है कि जो 9 हमारे नए प्लेयर्स हैं बेसिकली डोमेस्टिक क्रिकेट का इम्तिहान होगा ये इंटरनेशनल क्रिकेट के साथ, मतलब उनकी सेट टीम और हमारे ज्यादा डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, ये इनका बेसिकली नहीं बिल्कुल भी ऐसा नहीं है अज़हर भाई। उसकी वजह ये है कि देखें अगर हम इस वक्त ये बात करेंगे कि डोमेस्टिक के क्या इम्तिहान है या इसका जो देखिए फिर वही बातें डबल माइंडेड होंगे, तो मेरे ख्याल से हमें बिल्कुल वार्म वेलकम करना चाहिए, ये हमारी डोमेस्टिक ही है, चाहे वो हम बाद में बात करें कि 6 टीमें हैं 12 टीमें होनी चाहिए, डिपार्टमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए, उसकी वजह है कि उससे हमने कोई अचीव करना नहीं है। मेरे ख्याल से अभी हमें पॉजिटिव होना चाहिए और ये जो प्लेयर हमारे आ रहे हैं इनमें बहुत सारे प्लेयर यंग प्लेयर्स हैं और हमें इनको वार्म वेलकम करना चाहिए, और इनसे जैसे मैंने पहले भी बात की कि इनसे इनके स्टाइल में इनसे इनके टैक्टिक्स में धोखे हम जरूर उनको से बात करेंगे, हम उनको प्लान भी देंगे, लेकिन क्योंकि एक यंग प्लेयर आया होता है उसको फौरन मोल्ड करना इस स्टेज पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, अगर वो अंडर 19 में है छोटे लेवल पे है तो वो आप उसको मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये कि उन्हीं की टैक्टिक्स में उन्हीं की बैटिंग स्टाइल में थोड़ा सा ट्यून करके उनसे बेस्ट निकालने की जरूरत है इस वक्त हमें, और जहां तक बात है कि तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आई होप कि हमारा जो करंट स्ट्रक्चर है वो कामयाब हो और ये प्लेयर आए और हर प्लेयर परफॉर्म करें ताकि पाकिस्तान टीम स्ट्रांग हो, और हम जो एक ये पिछले कोई 1-1.5 हफ्ते से इतनी सारी चीजें लेके बैठे हुए हैं कि क्या होना चाहिए, तो उससे हम निकलें और हम एक स्मूथ रोड पे जाए और पाकिस्तान टीम जो है वो और ऊपर जाए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी टीमें पाकिस्तान आ रही है, और जब आप होम में हारते हैं तो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, और जब आप होम में जीते हो तो जैसे मैंने पहले कहा कि जब आप होम सीरीज हो रही होती है, प्लेयर बनते ही होम सीरीज से हैं, स्टार प्लेयर बनते ही अपनी कंट्री में जब खेलते हैं, तो जो टीमें पाकिस्तान आ रही हैं आई होप कि हम अच्छा खेलें और हम ये सीरीज विन करें तो जो वरीज हमारे जहन में वो ख़त्म हो और पाकिस्तान टीम जो है वो और पाकिस्तानी प्लेयर वो ऊपर जाए और खूब हम एंजॉय करें उसको लेके। जी नादरा। अस्सलाम वालेकुम यूनुस। यूनुस ये बताएं, वैसे तो खैर सारी बातें हो चुकी हैं लेकिन सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि ये जितने न्यू स्क्वाड इस वक्त है तकरीबन आपके लिए कितना चैलेंजिंग होगा, और जिस तरह आपने कहा कि इनको 2-3 सीरीज में मौके मिलने चाहिए ताकि इनका जो मुराल है वो बूस्ट हो और फिर इनको कॉन्फिडेंस भी हो जो अमूमन होता नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कितना ज्यादा बेनिफिशियल होगी ये सीरीज न्यू स्क्वाड के लिए और आपके खुद के लिए? बहुत अच्छी बात की आपने, वही बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन प्लेयर्स को पूरा मौका मिलना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए खुदा ना खास्ता कि अगर सीरीज कहीं अप एंड डाउन होती है और ये फिर ये प्लेयर ना हो और दूसरे प्लेयर ट्राई करें, तो मेरे ख्याल से ये हमारे पास बेस्ट स्लॉट मौजूद है इस वक्त और इनको लेके हमने इनसे परफॉर्मेंस लेनी है। मैं बिल्कुल भी ये बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल भी एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूँ कि टाइम कम है और हम जो है ना फाइट नहीं कर सकते। बिल्कुल मेरे लिए बहुत अच्छा होता है जब यंग प्लेयर आते हैं तो यंग प्लेयर के साथ काम करना और अच्छा लगता है, क्योंकि वो आपके फ्यूचर होता है, और जब आपके पास स्टार प्लेयर हो, आपके पास सीनियर प्लेयर हो, और जब वो परफॉर्म करते हैं तो आपको इसलिए इससे ज़्यादा डबल खुशी इसलिए होती है कि वो आपके जैसे रिसेंट पास में अगर 4-5 प्लेयर्स ने परफॉर्म किया तो मुझे ज़्यादा इसलिए खुशी इससे ज़्यादा हुई कि वो उनके साथ मैंने ड्रेसिंग रूम शेयर किया हुआ है, और जब उनकी मैं हेल्प करता हूँ जब वो परफॉर्म करते हैं तो मुझे उनसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि उनके रन्स वो नहीं कर रहे हैं बल्कि मैं कर रहा हूँ, तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर ये जैसे मैंने बार बार कहा इन प्लेयर को ज़्यादा मौका मिले और ताकि वो अपनी स्किल्स हमें दिखा सकें, क्योंकि अगर हम 2-3 प्लेयर्स की बात करें इस वक्त जो इस करंट टीम में आए हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस किए हैं हमारे डोमेस्टिक कंपटीशन में, ये बेस्ट टाइम है, वो फॉर्म में है, उनको मौका मिले और वो स्टार बने
और आई होप के वो लंबे अरसे के लिए पाकिस्तान टीम को सर्व करें और हम उनसे उनसे की स्किल से बेनिफिशियरी हो इंशाल्लाह। जी थैंक यू वेरी मच जी, आप सबका आई नो बहुत ज्यादा क्वेश्चन थे, कुछ के रह गए होंगे तो नेक्स्ट में आपको बिल्कुल करेंगे। थैंक यू यूनुस भाई आपका हमें टाइम देने के लिए और आप सबका वेट करने का और हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का। प्लीज थैंक यू वेरी मच जी आप सबका। थैंक यू जी।